आज हमारे साथ हैं। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। साउथ के फिल्म निर्देशक SS राजमौली को तो हर कोई जानता है। उन्होंने कई सुपर फिल्में दी हैं। उनकी फिल्म RRR ने कई रिकॉर्ड बनाए। अब राजमौली अपनी अगली फिल्म को लेकर चर्चा में हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। कहा जा रहा है कि राजमौली इस बार इंडिया के लिए ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए फिल्म बनाने जा रहे हैं। यह भारतीय इतिहास में पहली फिल्म होगी जो सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए बनाई गई फिल्म होगी। खबरों के अनुसार राजमौली की इस पैन वर्ल्ड फिल्म में साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू नज़र आने वाले हैं। ये इंडिया की पहली पैन वर्ल्ड फिल्म होगी जो विदेशी सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म को इस तरह बनाया जाएगा कि फिल्म इंडिया से लेकर अमेरिका तक के दर्शकों को कनेक्ट कर पाए। फिल्म का नाम अभी तक फाइनल नहीं हुआ है और ना ही फिल्म मेकर्स ने कोई खुलासा किया है। SS राजामौली की फिल्म RRR ने देश नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत अच्छा बिजनेस किया था। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में 1000 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन किया और इस फिल्म में अजय देवगन और आलिया भट्ट भी अहम भूमिका में नज़र आ चुके हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।